हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है वैकेंसी निकाली गई है, कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। सैलरी 22,000 पर मंथ आपको दी जाएगी और साथ में निशुल्क आवास की सुविधा भी रहने वाली है। एप्लीकेशन करते वक्त तो कोई फीस जो है यहाँ पर नहीं लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट कहाँ से जारी हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो विज्ञापन जो जारी हुआ है 18 दिसंबर 2023 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद आगरा से ये वैकेंसी है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है ये वैकेंसी निकाली जा रही है। यहाँ पर पद का नाम अगर हम बात करें पूर्णकालिक शिक्षिका की है और अंशकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है। फुल टाइम टीचर्स को यहाँ पर सैलरी के साथ में आवास की सुविधा भी रहती है। यहाँ पर वैकेंसी है जो सब्जेक्ट है गणित है, जीव विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विषय, वाणिज्य में स्नातक यानी कॉमर्स में, शारीरिक शिक्षा, कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प, कंप्यूटर की वैकेंसी है। तो ये टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। इसके अलावा जो है यहाँ शिक्षणेतर जो कर्मी हैं, रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी और चौकीदार, इनकी भी वैकेंसी है। तो 8th पास स्टूडेंट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षकों के जो पद हैं, जैसे मैथ की वैकेंसी है पूर्णकालिक शिक्षिका की, तो ग्रेजुएशन के साथ में बीएड कंपलसरी है और इसके साथ में उच्च प्राथमिक स्तर का टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सी टेट पेपर 2 जो है क्वालिफाई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 5 वैकेंसी है मैथ्स की, जीव विज्ञान की 3 वैकेंसी है, हिंदी संस्कृत की 1 वैकेंसी है। हिंदी संस्कृत के लिए कहा गया है हिंदी और संस्कृत में जो है स्नातक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। यहाँ पर बीएड जो है वो बिल्कुल होगा ही, तभी आपने जो है उच्च प्राथमिक स्तर की टेट पास की है। सामाजिक विषय के लिए इन्होंने 3 सब्जेक्ट बताए हैं कि स्नातक में भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में आपका स्नातक हो और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट। यहाँ पर जो है सामाजिक विषय में 1 वैकेंसी है। लेखाकार के लिए कॉमर्स में स्नातक और कंप्यूटर पर क्या काम करने का जो है ज्ञान होना चाहिए, 4 वैकेंसी है। नेक्स्ट अंशकालिक शिक्षिका फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड की उपाधि है आपके पास, तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। 2 वैकेंसी है। अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट, संगीत और गृह शिल्प की है, जिसमें 2 वैकेंसी है। कंप्यूटर की भी वैकेंसी अंशकालिक शिक्षिका में 2 वैकेंसी है, सॉरी 10 वैकेंसी है यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिका की। अभी जो फुल टाइम टीचर्स हैं उनको तो आवास की सुविधा रहती है, बट अंशकालिक शिक्षिका जो है इनको सुविधा नहीं रहती है। तो इनका जो टाइम पीरियड समाप्त होने के बाद ये अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिका की जो है अधिक वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मानदेय प्रतिमाह 22,000 सैलरी जो है वो पूर्णकालिक शिक्षिका को मिलती है, लेखाकार को 12,430 ईपीएफ सहित। उसके बाद जो है अंशकालिक शिक्षिका के लिए 11,074 रुपये यहाँ पर सैलरी मिल रही है ईपीएफ के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट रसोईया 7,797 है रुपये, सहायक रसोईया को पर मंथ 5,848 है, चपरासी की 6,498 है, चौकीदार की 6,498 है। तो कुल जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल पदों की जो संख्या है 45, ठीक है, 45 जो है वो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से जो आरक्षित वर्ग हैं उसमें भी जो है इनको बांटा गया है। जैसे ईडब्ल्यूएस की जो है 45 में से 11 सीटें हैं, जनरल कैटेगरी की जो है 16 सीटें हैं, नेक्स्ट अनुसूचित जाति की 10 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 8 सीटें हैं। नेक्स्ट जो है अर्हता मैंने आप लोगों को बता दी, क्या क्या योग्यता यहाँ होनी चाहिए, स्नातक, बीएड प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टेट या फिर सीटेट पेपर 2, ठीक है। बाकी जो है यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिकाओं को विद्यालय परिसर में रात्रि में निवास अनिवार्य होगा, ठीक है। फुल टाइम टीचर्स को आयु जो है वो न्यूनतम 25 और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। कैसे आवेदन करना है, तो अभी जो है ये जो मेन वेबसाइट है आगरा .nic.in, यहाँ पर आप लोगों को आवेदन पत्र का प्रारूप मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन है जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। दोबारा से वीडियो को जो है देख कर सुन कर बाकी और भी चीजें जो है आप यहाँ देखें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है पदों की संख्या जो है वो आरक्षण की स्थिति बढ़ घट सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र पूरा भर लेना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी आपको उसमें लगानी है, 2 स्वयं के पते लिखे हुए लिफाफे जिनपे 30 रुपए के डाक टिकट लगे हों वो भी अटैच करने हैं इसके साथ में,
आवेदन पत्र जिस लिफाफे में रखा जाए उस लिफाफे के ऊपर जो है आवेदित पत्र सॉरी आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। यानी किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, पूर्णकालिक के लिए कर रहे हैं या अंशकालिक के लिए कर रहे हैं, तो ये लिखें। आवेदन पत्र में अपना नाम, मोबाइल नंबर, स्व प्रमाणित फोटो, शैक्षिक योग्यता प्राप्तांक और प्रतिशत का सही व स्पष्ट अंकन करें। अभी यहीं पर जो है अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो ये लोग फॉर्म बहुत सारे आते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो सोच समझ कर अगर आपका एक फॉर्म गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप दोबारा से भर लें उसको। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित जितने भी अपने डॉक्यूमेंट हैं, फोटो कॉपी हैं उनकी, उनके नीचे अपने साइन जरूर करना है। साधारण डाक से प्राप्त प्रमाणित फोटो रहित निर्धारित प्रारूप से इतर या निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। फोटो भी जो है उसमें कंपलसरी होगा लगाना। तो ये कंप्लीट जो है मैंने आप लोगों को विज्ञापन के बारे में बता दिया है। डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट 2 जनवरी 2024 तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान अशोक नगर आगरा, ये एड्रेस रहेगा, आप भेज दें 2 जनवरी 2024 तक। ये जो है मेन वेबसाइट का लिंक रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार आगरा से जो है वो ये वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी आवेदन करने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल आवेदन करिएगा समय से पहले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।